नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आपके साथ मैं हूं साकेत सुमन। सवाल धरती पुत्र का आज है, उन किसानों का जिनकी इस भूमि को कहा जाता है कि वो हिंदुस्तान के बेटे हैं और ये भूमि उन्हीं की है, लेकिन जब उनके लिए हालात बद से बदतर होते चले जाएं और राजनीतिक दल सिर्फ और सिर्फ उनके नाम पर राजनीति करने लगे तो सवाल उठेगा कि आखिर मेले से क्या होगा। बात देश के किसानों की है, बात प्रदेश के किसानों को लेकर भी है, क्योंकि जब बार बार ये कहा जाता है कि किसानों के हालात कैसे सुधरेंगे तो तमाम राजनीतिक दल सामने आकर ये कहते हैं कि हम किसानों के हितैषी हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि किसानों के बदतर हालात, बिगड़ते हुए हालातों को कैसे सुधारा जाएगा। तो उसमें किसान मेले का एक आयोजन की बात की जाती है, सरकार इस पर काम करने की बात करती है, लेकिन किसान मेलों के जरिए किस तरीके से किसानों के हालात बदल सकते हैं, जरा इस रिपोर्ट के जरिए देखिए और समझने की कोशिश भी करेंगे कि कैसे इन किसान मेलों से किसानों के हालात कितने बदल पाए हैं और कितने आगे भी बदल सकते हैं। प्रदेश में किसानों को लेकर जब भी सवाल किया जाता है तो हमेशा से तमाम राजनीतिक दल अपने आप को किसानों का हितैषी बताते रहे हैं। अब चाहे इंडियन नेशनल लोकदल हो, कांग्रेस हो या फिर हरियाणा में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने पर सड़क पर उतरने वाली बीजेपी, सभी दल किसानों की चर्चा तो करना चाहते हैं, लेकिन हल के लिए कदम कोई उठाना नहीं चाहता। अब ऐसे में सवाल किसानों के हितों और नई तकनीकों की जानकारी को लेकर है, जिसमें लगातार घाटे का सौदा बन रही खेती को किसान नई तकनीक के जरिए कैसे मुनाफे में बदलें, इसके लिए कई तरीके हैं, जिनमें से किसान मेला सरकार की वो कोशिश है जिसमें किसानों को तकनीकों के साथ जोड़ा जा सके। लेकिन किसान मेले का मकसद क्या वाकई पूरा हो रहा है? ये सवाल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि बीजेपी के केंद्रीय मंत्री ही प्रदेश के किसान मेले और उनके आयोजन पर सवाल कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे ही एक किसान मेले में हरियाणा के कृषि मंत्री ओपी धनखड़ और बीरेंद्र सिंह के बीच हुई नोकझोंक के बाद केंद्रीय मंत्री किसान मेले पर सवाल कर देते हैं। ये देखना है, जहां किसान की आप खेती की उपज बढ़ाने की बात करते हैं, जहां उसकी उत्पादकता बढ़ाने की बात करते हैं, आज कृषि वैज्ञानिकों के साथ कृषि से जुड़े हुए जो आर्थिक, जो हमारे दक्ष हैं, जिनको कहा जाता है कि ये एग्रो इकोनॉमिस्ट हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं। अभी 10 दिन पहले खबर आई अखबारों में कि इस देश की जितनी दौलत है, संपत्ति है, इस देश के अंदर जितना धन है, जितने रुपए हैं, जितने पैसे हैं, उसमें से 57% दौलत पे इस देश का 1% आदमी काबू है। क्या आप में और हम में बैठे उन 1% में हो? सोचने की ये बात है। धनखड़ साहब, आपके अमरूद चाहे आप 500 रुपए क्विंटल बिकवा दो, लेकिन किसान को आर्थिक तौर पे मजबूती कभी नहीं मिल सकती। उसको मजबूती मिलना है तो उसके लिए कोई नई सोच पैदा करनी पड़ेगी। अगर किसान को और गरीब आदमी को सबल बनाना है तो जो भी किसान का उत्पादन है, जिसका जिक्र आप मत्स्य पालन का आपने नाम लिया, पशुपालन का आपने नाम लिया, घी का आपने नाम लिया, दूध का, और ये जो टोकरी हम लेके जाएंगे दोगे, हाँ ये फ्रूट की टोकरी भी लेके जाएंगे, मैं ये पूछता हूं, ये सारे उत्पाद धनखड़ साहब जोटा तो एक ही होगा जो 9.5 करोड़ का बिकेगा। हरियाणा के लोगों को तो 90,000 ऐसे जोटे चाहिए जो 9.5 करोड़ के बिके। ये मेले तो बहुत देखे हैं मैंने भी, आपने भी। मैं तो ये मानूंगा कि आपके जो ये मोटरसाइकिल हैं, ये पता नहीं कौन से मेक के हैं, इनको जब डबल मोटरसाइकिल पे आप किसान को चढ़ा दोगे तब किसान तरक्की पे होगा, यही बात कहनी थी। धन्यवाद, जय हिंद। मंच से जो सवाल किसानों को लेकर किया गया, ऐसे ही कुछ सवाल विपक्षी भी सरकार से कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के सांसद का मंच से जो सवाल था, क्या वो किसानों की परेशानी को लेकर ही था या फिर मंच पर अपनी ही सरकार के मंत्री से हुई नोकझोंक का नतीजा? खैर, सवाल कई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।
जनता टीवी। यह सवाल कई हैं और उन सवालों का जवाब कहीं नजर नहीं आता। नजर आता है स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट। जरा इस रिपोर्ट को देख लीजिए कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट क्या कहती है और जिसको लेकर के विपक्षी दल, चूंकि यूपीए सरकार के दौरान स्वामीनाथन आयोग का गठन हुआ था और किसानों को उनकी फसलों के लाभकारी समर्थन मूल्य दिए जा सकें, ये स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों में एक मूल सिफारिश के तौर पर ये चीज़ें थीं। इसके बाद ये जो रिपोर्ट है वो केंद्र के पास 2007 में सौंपी गई थी, यानी कि यूपीए का कार्यकाल उस समय चल रहा था। उसके बाद जो स्थिति है उसमें सिफारिशें जो की गई थी वो किसान की फसल की लागत में उसका 50% जोड़कर समर्थन मूल्य दिया जाए। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि स्वामीनाथन आयोग की हरियाणा सरकार पर, क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर चीज़ें थी, हरियाणा सरकार की तरफ से बहुत कोशिश की गई और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को हरियाणा प्रदेश के अंदर लागू करने के लिए प्रदर्शन खूब हुए। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बहुत सारी चीज़ें इसमें देखने को मिली और हरियाणा सरकार कहती है कि 90% चीज़ें हमने पूरी कर दी और मुआवजे के तौर पर 10,000 पर प्रति एकड़ की बात की गई थी, हम 12,000 दे रहे हैं और 2019 तक वो कह रहे हैं कि 50% मुनाफे वाले कृषि के एजेंडे को लागू करने के बाद प्रधानमंत्री पहले ही कर चुके हैं। ये हरियाणा सरकार इस वक्त जो है वो इस बात को कह रही है। जी, तो पांच खास मेहमानों का पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ा हुआ है। सबसे पहले मिलवा देते हैं आपको हमारे इस पैनल से। हमारे साथ डॉक्टर संजय शर्मा जी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ पंचकुला से जुड़े हुए, स्वागत है सर आपका। हमारे साथ इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से दलबी धनखड़ साहब जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ डॉक्टर अनंतराम जी, राजनीति विश्लेषक के तौर पर जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस के प्रवक्ता विकास जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और राज सिंह देशवाल जी राष्ट्रीय सचिव हैं भारतीय किसान यूनियन के, वो हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहले संजय शर्मा जी, एक सवाल आप ही से। नई सोच की बात केंद्रीय मंत्री कर रहे हैं, नई सोच कब आएगी सर और कैसे आएगी सर, और क्या 2019 का इंतजार कर रहे हैं इस नई सोच के लिए, या फिर नई सोच भी एक दिखावा है, एक छलावा है? ये जो एग्री लीडर समिट हुआ है जी, ये एग्री लीडर समिट ही नई सोच का परिचायक है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, हमारे कृषि मंत्री ने ये दूसरा एग्री लीटर सबमिट किया। शर्मा जी माफी के साथ रोक रहा हूं, क्योंकि पहला राउंड है और मैं काउंटर नहीं करना चाहता आपको, फिर भी मैं काउंटर कर रहा हूं। वीरेंद्र जी, वीरेंद्र सिंह ने कहा ऐसे मेले बहुत देखे हैं, अब इसको आप नई सोच कह रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ऐसे मेले बहुत देखे। वीरेंद्र सिंह जी ऐसा है, वीरेंद्र सिंह जी ने जो बात कही कि उन्होंने जिस तरह के मेले देखे होंगे उन्होंने उस मेले की चर्चा की, मुझे लगता है कि इन्होंने केवल कुछ प्रदर्शनी को, कुछ सामान को, या जो लोगों ने खेती की है उसके बारे में जो प्रदर्शनी लगती है उसको ही देखा होगा। सर, लेकिन इसके माध्यम से क्या क्या हुआ मुझे लगता है उनको पूरी जानकारी इस नहीं दे। मैं बता रहा हूं ना, मेरी पार्टी के होने का मतलब यह नहीं कि उनको पूरे इस कार्यक्रम की जानकारी होगी। देखिए, इस कार्यक्रम के अंदर जो कुछ किया गया उसके अंदर हमने क्या किया कि हर क्षेत्र का जो एग्री लीडर है उसको उसमें बुलाया गया। 125 एग्री लीडर हरियाणा के, जिन्होंने आप अपने क्षेत्र में अग्रणी काम किया है, चाहे वो मत्स्य पालन में होगा, चाहे पशुपालन में होगा, चाहे वो पुष्प पालन में होगा, चाहे गऊओं के पालने में होगा, ऐसे 125 जो अग्रणी किसान हैं उनकी हमने एक डायरेक्टरी बनाई, उनका परिचय पत्र दिया और उसमें दिखाया कि पिछले 2-3 साल के अंदर जब से हमारी सरकार आई है कैसे एग्री लीडर ने सरकार के सहयोग से, अपनी मेहनत से, कैसे आप अपने क्षेत्र में आगे बढ़े हैं और उन्होंने अपनी आमदनी को बढ़ाया है। इस एग्री लीडर के अंदर हमने ऐसे लोगों को जिन्होंने आप अपने क्षेत्र में बढ़िया काम किया है, 1-1 लाख रुपए का उनको प्राइज दिया है और उनको अपने क्षेत्र का खेती रत्न अवार्ड दिया है, और ये अवार्ड केवल इस साल के लिए नहीं आगे के लिए भी देंगे, ताकि ऐसे सब लोग जो इस तरह का काम कर रहे हैं उनसे बाकी लोग भी प्रेरणा लें, प्रदेश के बाकी लोगों को भी ये प्रेरणा हो कि जो अच्छा काम करता है सरकार उसको प्रोत्साहन देती है। क्योंकि हमारी सरकार का जो सोच रहा है, जो आपने अभी स्वामीनाथन जी की बात की है कि केवल परंपरागत जो फसलें हैं उन फसलों के माध्यम से किसान की फसल को दुगुना करने में बहुत समय लगेगा, लेकिन किसान को डाइवर्सिफिकेशन की ओर आना पड़ेगा। किसान को परंपरागत फसलों से निकल करके जो दूसरी फसलें हैं, जो नकदी फसलें हैं, उनकी तरफ आना पड़ेगा। उन फसलों में भी शर्मा जी, उसको खुद उसकी पैकिंग करनी पड़ेगी, खुद अपना ब्रांड बनाना पड़ेगा, कितना किसान आगे निकले हैं और अपनी मार्केट बनानी पड़ेगी हुई है। विकास चौधरी, ठीक है मैं आता हूँ सर आपके पास। विकास चौधरी जी, क्या वाकई किसान मेलों के जरिए ये माना जा रहा है कि तकनीकों की जानकारी किसानों को दी जा रही है और
उसके जरिए ही किसानों को उन्नत करने के लिए, उनको विकसित करने के लिए एक कदम उठा रहे हैं। क्या उसका प्रभाव, क्या उसका फायदा किसानों को मिल रहा है? देखिए शुभेंदु जी, मैं बताना चाहूंगा कि जो इन्होंने एग्रो समिट करी, ये एक एग्रो समिट तो थी, लेकिन मैं उससे ज्यादा इसे इवेंट मैनेजमेंट मानता हूँ इनकी, क्योंकि इवेंट करने में माहिर है, इनका काम है इवेंट करते रहते हैं कुछ टाइम बाद किसी ना किसी मुद्दे को लेकर के। मैं यहाँ आपको गहराई से बताना चाहूंगा हुआ क्या। इन्होंने उसकी जिम्मेवारी जो इनके प्रदेश अध्यक्ष थे किसान सेल के, उन पे लगाई, उन्होंने को सरकारी बसें मुहैया कराई गई, और उनके जो ब्लॉक और जिला अध्यक्ष के प्रधान हैं और जो प्रदेश कार्यकारिणी के लोग हैं वो उसमें किसानों के नाम पे अपने कार्यकर्ताओं को लेके आए। अगर किसान थे तो जो 125 प्रगतिशील किसान वो, और जो थोड़े बहुत और प्रगतिशील किसान है वो ही वहां पहुंचे। और असलियत यह है कि हमारे हरियाणा में जो निम्न स्तर के जो किसान है, एक एकड़ का, आधे एकड़, डेढ़ एकड़ का, दो एकड़ का, वो किसान वहां नहीं पहुंचे। और देखिए वीरेंद्र सिंह ने जो कहा, मैं उसमें थोड़ा सा बताना चाहूंगा और भी बात। उन्होंने कहा है, मैंने ऐसे मेले बहुत देखे हैं और देखता हूं, उसे किसानों का भला नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उन्होंने कहा जब किसान कर्जा लेने जाता है अपनी फसल के लिए तो 5 लाख के कर्जे के लिए उसे 20 लाख की जमीन गिरवी रखनी पड़ती है, और वहीं जब उद्योगपति जो है, जब वो 20 करोड़ रुपए या 5 करोड़ का लोन लेता है तो उससे कोई ज्यादा आप फॉर्मेलिटी नहीं करते। जब तक आप किसान को इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दोगे उठने का, तो वो कैसे उठेगा? इन्होंने करा क्या है वहां पर? खाली भाषणबाजी हुई है, कोई प्रैक्टिकल कुछ नहीं कराया गया। ठीक है, एक इवेंट थी वहां पर, बड़ी बड़ी मशीनरी की प्रदर्शनी लगी हुई थी। और देखिए मुझे एक मिनट बोलने दीजिए, मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा। इन्होंने कहा क्या है वहां? इन्होंने किसानों से कहा कि आप लोग जो है, जो आपके आसपास जो शहर लगता है उसके अनुरूप खेती कीजिए, लेकिन शहर में तो ज्यादातर सब्जियां मांगी जाती हैं, लेकिन हमारे हरियाणा में समस्या क्या है, यह खारे पानी की बहुत बड़ी समस्या है, इसलिए भी ज्यादातर खेती नहीं हो पाती सब्जियों की, इसलिए सरसों और गेहूं की ज्यादा उत्पादन होता है। तो आप ये बताइए, पानी तो है ही नहीं ऐसा, तो उसके रूप कैसे करें? और जो खेती कर रहे हैं सब्जी की, एक मिनट सुनिए, बाजार में जाते हैं तो 4-5 रुपए किलो मिल रही है, और ये कहते हैं पशुपालन बढ़ाइए, पशुपालन का जो चारा है 8-10 रुपए मिल रहा है, तो आप बताइए ऐसे में गरीब किसान कहां जाके रोए? इन सब इवेंटों से कुछ नहीं होगा, काम करना है तो धरातल पे करना पड़ेगा। ठीक है, जरा अनंत राम जी एक सवाल आपसे, कि आपने यहां तो बयान आप सुन ही रहे हैं, आप देख भी रहे हैं यथास्थिति को कि क्या है, तब क्या थी, अब क्या है, कितना सुधार हुआ नहीं हुआ, लेकिन वीरेंद्र सिंह का इस मंच से जो तमाम बातें कहना, पूरा निचोड़ क्या है सर? ऐसा था, अगर मैं अपने पहली टिप्पणी में ये बात कहूँ कि वो कहीं से असंतोष नजर आए, उनको संतोष नहीं था कि इस प्रकार की प्रदर्शनी से किसान का वास्तविक लाभ होगा, वो झलका, मैं कहूँगा झलका, और उन्होंने अपनी बात माइक से ही कह दी, तो उससे ऐसा लगा कि वो एक सीनियर मंत्री हैं, ये भी आप जानते हो, सीनियर पॉलिटिशियन भी हैं जी, तो बहुत पिछले 40 सालों के, तो उसमें उनका कहीं ना कहीं दर्द छलकार, उन्होंने कहा भाई किसान की अगर आय बढ़ानी है, अगर इसका इस प्रदर्शनी का आयोजन का उद्देश्य ये था कि इसमें किसान की आय कैसी बढ़ा जाए, क्यों उन पे मुद्दों पे डिस्कस करें, चाहे वो डाइवर्सिफिकेशन की इन्होंने बात करी, चाहे फल और सब्जियों की बात की, चाहे दूध बढ़ाने की बात की, धरातल की बात यह है कि क्या वास्तव में उसको इस बात के लिए उसको उत्साहित किया जाता है, जैसे बैंक से लोन लेने की अभी जो बात चल रही थी, बैंक क्या उसको ऐसा लोन देता है इन बातों के लिए, और पर्याप्त लोन देता है जिससे वो ऐसे संसाधन विकसित कर सके? तो बात असल में ये है कि प्रदर्शनी एक चीज़ है और उसमें कुछ किसानों को आप प्रोत्साहित करो, अच्छी बात है करो, और हर साल का इवेंट इन्होंने बनाया है तो वो करें, लेकिन वास्तविक धरातल ये हम भाषण दे दें स्टेज से, मैं भी कहता हूँ डाइवर्सिफिकेशन कर लो भाई, फल बोलो, आपके टमाटर की क्या हालत हुई? मैं एक उदाहरण दूँ, टमाटर पे ओला पड़ गया, टमाटर 1 रुपया किलो भी नहीं बाजार में बिका, अब दूसरे फसल की बात ले लो, अब पिछले दिनों आंधी और सरसों की और गेहूं की कटाई चल रही है, आपको पता ही है 1 अप्रैल से तो गेहूं मार्केट में आ जाएगा, अब अगर एक ओलावृष्टि हो जाती है या कोई बारिश हो जाती है, आंधी बिछ जाएगा, वो काटने योग्य भी नहीं रहेगा। तो धरातल की बात यह है कि जो एग्रीकल्चर इनके इंस्पेक्टर, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर, उनको जाके धरातल पे करना चाहिए भाई, इनकी वास्तविक समस्याएं क्या जमीन पर, क्या स्थिति है, वास्तविक समस्या को एक उदाहरण देखिए, क्या बैंक से सुलभ लोन मिलता है, कम रेट पर मिलता है, समय से मिलता है? 3 बातें मैं कह रहा हूँ, बैंक से लोन देना, चाहे वो लैंड मॉर्गेज बैंक हो, क्या क्या वही सवाल भी यही है कि क्या कर्ज मिल पाता है? नहीं मिल पाता है, नहीं किन रेट पे मिल जाता है सुलभ से, और उसको कितने इसके बदले में जमीन रखनी पड़ती है। कृषि अर्थशास्त्री कृष्णवीर जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। कृष्णवीर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। मेरा पहला सवाल यही है कि जिस तरीके से किसानों को लेकर किसान मेले का आयोजन किया जाता है, क्या वाकई जमीन पर जो हकीकत है उसको साकार कर रहा है ये किसान मेला? मेला जो है वो कंपनियों के लिए लगाया जाता है,
कंपनियों को अपना माल बेचना है, उनको अपनी जानकारी देनी है जी, चाहे वो बीज के बारे में हो, चाहे वो मशीनरी के बारे में हो, चाहे वो उर्वरक क्षमता बढ़ाने के लिए बायो फर्टिलाइजर के बारे में, वो तो एक अलग चीज है जी। कि भाई ये है। लेकिन दूसरी तरफ जो किसानों की समस्याएं हैं, अभी मैं भाई की बात सुन रहा था, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो सिंचाई के लिए खारा पानी है उसे क्या करे किसान, बरसात के पानी को बचाने के लिए कौन सी योजना की जरूरत है वो करनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि उनके उपज का दाम जो है उनको कैसे मिले, ये बात सही है कि सब्जी की दुर्गति हो रही है, मैं सुन रहा था पूरी तरह, वो सच्चाई बयान कर रहे थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। किसान को जब तक उसका लाभकारी मूल्य नहीं मिले फसल का, तो क्या फायदा है बाजार से। तीसरी बात सुनिए, बिचौलियों ने अब तक लाभ उठाया है। अब ये जो चेन की बात करते हैं, चेन आपने बना के देख ली, चेन वालों ने भी किसानों को एक साथ वो किया है व्यवहार जो है, कोई फायदा नहीं। तीसरी बात है, ये बात सही कही है कि किसान अगर लोन लेता है तो उसको चार गुनी कीमत की जमीन रखते हैं तब उसको मिलता है, और उद्योगपति को कोई कुछ रखने की जरूरत नहीं है। उदाहरण देता हूँ कि विजय माल्या की एक चिड़िया को कोलेटरल गारंटी मान देते हैं बैंकिंग सिस्टम, और किसान जब अपने लिए कोई उद्योग इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए लोन मांगता है तो बैंक किसान की जमीन की खतौनी को भी नहीं मांगते, कहते हैं कोलेटरल गारंटी में किसान प्रॉपर्टी दे, रजिस्ट्री दे, ये किस तरीके का सिस्टम है, ये बिल्कुल गलत है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है उनका किसानों के साथ व्यवहार ठीक नहीं है। ठीक है, एक बात और सुनिए, जो नॉन परफॉर्मेंस एनपीए में उद्योग जगत के लोगों के लाखों करोड़ रुपए राइट ऑफ कर दिए जाते हैं, और किसानों के कर्जे पर तरह तरह के सवाल उठाए जाते हैं, ये किस तरीके के आर्थिक सलाहकार इस देश में पैदा हो गए हैं। ठीक है कृष्णवीर जी, हम लौटेंगे, बाकी कुछ मेहमानों के पास भी रुक कर लेते हैं, क्योंकि लोन और कर्ज दिया जाता है शायद इसी वजह से, ताकि माफ भी किया जा सके और उस पर भी एक राजनीति फिर से हो सके। दलवीर धनखड़ जी, आपका रिएक्शन सर। कृष्णवीर जी, मैं लौटूंगा आपका। दलवीर जी, जी साकेत जी, आपने अच्छा मुद्दा उठाया, उसके लिए आपका धन्यवाद करूंगा, आपके चैनल का। मैं आपको बताना चाहूंगा, जो मेला था इसमें किसानों को कुछ नहीं मिला। मेरे मित्र अभी बता रहे थे एडवर्टाइजमेंट किए, केवल कंपनियों की एडवर्टाइजमेंट होती है। अगर किसानों के लिए ही कुछ करना है, चौधरी वीरेंद्र सिंह आज इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं दो बातें उनकी तरफ ध्यान दिलाना चाहूंगा। वो बोलने की बातें अलग होती हैं, करने की अलग होती हैं। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने पिछले फाइनेंस का बजट जब पढ़ रहे थे, उन्होंने एक बड़ी अड़की बात की थी किसानों के लिए, वो बात को पता नहीं क्यों भूल जाती भारतीय जनता पार्टी। उन्होंने कहा था 57% इस देश की आबादी, जिसमें हरियाणा तो मेरे ख्याल में 70% के आसपास बैठते किसान, जीडीपी में ना के बराबर योगदान है। ये बड़ा चिंता का विषय था। वो जीडीपी की बातें करते हैं, दिया क्या आपने किसानों को, जीडीपी के आते हैं सरकार आपकी बनी, जीडीपी पर आ गए आप इतने जल्दबाजी में, तो वो बात उन्होंने उदाहरण उठानी चाहिए थी। और चौधरी वीरेंद्र सिंह अगर इतने ध्यान रखते किसानों का, कांग्रेस में तो बहुत लंबे रहे वो, भारतीय जनता पार्टी में जब प्रधानमंत्री ने कहा था किसानों की आय 2022 में दोगुनी कर देंगे, कितने की दोगुनी कर देंगे, 67 रुपए किसान को रोज परिवार को मिलते हैं, दोगुनी में 134 रुपए हो जाएंगे 2022 में, जो कि ना के बराबर है। जहां तक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, कृषि मंत्री हमारे ओम प्रकाश धनखड़ जी हैं, इनकी मैं कहूंगा बहुत वाहवाही लूटने का काम करते हैं। एक ही बात कहते हैं, जब हमारी सरकार आई थी पुरानी सरकार के भी हमने पैसे दिए और अपने भी मुआवजे के पैसे दिए, जो अब तक का इतिहास है। ओम प्रकाश धनखड़ जी ये बात पता नहीं क्यों भूल जाते हैं, हरियाणा में आत्महत्याओं कभी नहीं हुई किसानों ने की, ये सरकार आने के बाद जब ये कहते हमने सबसे ज्यादा पैसा दिया, तब से आत्महत्याएं बढ़ी हैं, और उस साल तो कमाल ही कर दिया, आत्महत्याएं रुकने का इनाम नहीं ले रही थी, तो ये बात भी ना भूलें। दूसरा साकेत भाई, मैं आपको बताना चाहूंगा, नोटबंदी में इस बार किसान का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है सब्जियों में। ये बोने की बातें करते हैं, सब्जियां बोई थी, टमाटर, मटर, गाजर, आलू, आप मानोगे नहीं, खुदाई और मंडी में भेजने का पैसा ज्यादा था, खरीदने बेचने में कम पैसा मिल रहा था, तो किसानों ने रोड पर डाल दिया। सफेदा और पॉपुलर, जब से ये सरकार आई है सफेदा और पॉपुलर का लेने वाला नहीं बना, इतनी बुरी हालत किसान की है। वाकई ये सरकार इस तरफ देख नहीं रही है, बातें कराने में इनसे कितनी करा लो, बात करने में क्या जाता है, जोटा इतने का होगा, सरकार का क्या योगदान है, जोटा 9 करोड़ का हो गया, सरकार का बता दो क्या योगदान है, वो किसी किसान का होगा, उन्होंने अपनी मेहनत से किया है, उन्होंने खिलाया पिलाया, सरकार ने उसको क्या दे दिया। मैं फिर वही कहता हूं, किसान का अगर भला करना है, हर खेत को पानी, जो ये बातें कहते थे, और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट अगर लागू नहीं कर सको तो घोषणा पत्र में इन्होंने अपने में साफ शब्दों में कही थी, 1 रुपया लगाओगे 1.5 पाओगे। मैं कह रहा हूं स्वामीनाथन आयोग सेंटर का मामला है, 1 रुपया लगाओगे 1.5 पाओगे इनके घोषणा पत्र में, वो केंद्र का मामला नहीं है। ठीक है, क्यों ऐसा करती है सरकार, जब मैं एक मिनट मेरे को दो, सेंटर की सरकार ने
गेहूं की इंपोर्ट ड्यूटी पे कितनी चिंता का विषय, सरकार कितनी जागरूक है मैं बताना चाहूं। गेहूं की इंपोर्ट ड्यूटी पे ड्यूटी घटा दी है। क्यों घटाई? ये कोई पूछने वाला इनसे चाहिए? गेहूं विदेश से आके आपको पता होगा, ठीक है पड़ा हुआ है दलबीर जी, समुद्र के किनारे गेहूं पड़ा हुआ है, वो आके हालत कितनी खराब कर रहे हैं, चिंता का विषय। क्यों बताई ये रेट? राज सिंह देशवाल जी, मेरा सवाल आपसे है कि आज यदि हम किसानों के हालात समझे तो सबसे ज्यादा जरूरत किसानों के सामने क्या है? क्या नई तकनीक की जानकारी उनके लिए ज्यादा जरूरी है या फिर जो बुनियादी ढांचा है उसको मजबूत होना उनके लिए ज्यादा जरूरी है? देखिए दोनों ही आदमी, ये जो वीरेंद्र सिंह जी और धनखड़ जी का जो विवाद हुआ है या जो कुछ भी बात है, हमारा मत यह है कि ये दोनों ही आदमी ठीक है। जो उन्नत तकनीक है उससे भी जो है ना परिचित कराना जरूरी है, और ये भी बात सही है कि जो उन्नत तकनीक होगी उसके लिए पैसा भी चाहिए। और शुरू शुरू में जो है ना इसको जो ज़्यादा बड़े किसान हैं शुरू शुरू में उस तकनीक को वो ही लाएंगे, फिर धीरे धीरे वो नीचे दूसरों को भी मिलती चली जाएगी, कोई किराए पर लेगा कोई कैसे ही लेगा। और जो चौधरी वीरेंद्र सिंह जी ने सवाल उठाए कि उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वही पूरी नहीं कर पा रहे, मैं चौधरी वीरेंद्र सिंह का भी जो है ना समर्थन करूंगा, उन्होंने भी ठीक अपना संतोष और सही वक्त पे व्यक्त किया है। एक सरकार के अंदर, मेरी बात सुनिए, एक सरकार के अंदर जो ना इतनी लिबर्टी होनी चाहिए आदमी को कि अगर किसी मुद्दे पर वो सहमत नहीं है तो वो अपनी बात को जो ना रख सके। और जो कुछ ये ऐसे जो मेले होते हैं, इन मेलों से अगर ये मात्र जो ना एक प्रचार और बड़ी कंपनियों के लाभ का सौदा बन के रह गया तब तो ये बड़ी दुख की बात है। खरबूजा चक्कू पे गिरे या चक्कू खरबूजे पे गिरे, मरना तो जो है ना खरबूजे ही नहीं है। इस किसान के ऊपर कुछ दया करो, और स्वामीनाथन कमेटी की जो रिपोर्ट है उसके बारे में इस सरकार को सोचना चाहिए। मैं यहाँ एक बात कहना चाहूँगा, जब भी कोई ओपोजिशन के अंदर आती है पार्टी वो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के फेवर में हो जाती है, और जब सत्ता में आती है तो वो जो है ना उसको एक साइड में रख देती है। इसका मजाक बना के रख दिया स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट का। ये जो मेले हैं अगर इनसे कोई लाभ भी हो रहा है तो हम वो भी स्वीकार करते हैं। किसान मेले से कितना फायदा किसानों को हो रहा है और इस किसान मेले के जरिए कितना विकास किसानों का हुआ है, और साथ ही स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लेकर भी बातें हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सत्ता में आने से पहले ये कहा गया था कि सत्ता में आने के बाद सबसे पहले किसानों के हित की बात की जाएगी और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया जाएगा। ऐसे ही कई सवाल हैं, सवालों के जवाब लेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक ले। चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका, और कई अहम मसलों पर हम लोग बातचीत कर रहे थे, समझने की भी कोशिश कर रहे थे। मैं राज सिंह जी एक सवाल आप ही से, क्या स्वामीनाथन की रिपोर्ट अगर लागू कर दी जाए क्या ये एक ऐसी जादू की छड़ी है कि रातों रात कायाकल्प हो जाएगा? मैं कह रहा हूँ जादू की छड़ी क्या बात कह रहे हो, ये तो जादू की छड़ी से भी बहुत ऊपर की बात कह दी आपने। एक बार लागू करके देखो, जब जेब में पैसा आएगा ना किसान के तो उसकी जो है ना फिर ये जो नई टेक्निक आ रही है ये इतने मेले करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब किसान खुद ढूंढता जाएगा कि कहाँ है। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट समाधान है हर समस्या, किसान की हर समस्या का? बहुत हद तक समाधान है, बहुत हद तक जो है ना उसके अंदर समाधान है अगर ये उसको लागू करे। ठीक है, संजय शर्मा, उसके बाद पैसा ही नहीं है। संजय शर्मा जी क्यों नहीं लागू कर देते? इतने बड़े बड़े आधुनिक तकनीकों से रूबरू करा रहे हैं आप किसानों को, लेकिन उसके जेब में पैसा ही नहीं है। साकेत जी, ये जो इस तरह का एग्री समिट हुआ है ये स्वामीनाथन रिपोर्ट के आधार पर ही है, क्योंकि स्वामीनाथन जी ने कोई एक सिफारिश नहीं की थी, स्वामीनाथन जी ने बहुत सिफारिशें की थी, और उन सिफारिशों को हम एक एक करके लागू कर रहे हैं ताकि वो आने वाले समय में पूरी की पूरी स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू हो जाए। देखिए स्वामीनाथन जी ने कहा था कि किसानों को क्या ये मार्केटिंग इवेंट तो नहीं है, यहाँ किसानों की बात कहाँ है, तो कंपनियों की बात है। नहीं, इवेंट देखिए, ये कांग्रेस के लोग जो है, मैं बता रहा हूँ, कांग्रेस के लोगों केवल आरोप लगाना आता है। अरे हरियाणा को आज बने हुए 50 साल हो गए, और 50 साल में से लगभग 40 साल तक कांग्रेस की सरकार हरियाणा में रही। इन्होंने किसानों की भलाई के लिए क्या किया? खारा पानी कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार ले आई हरियाणा में? ये तो खराब पानी पहले से ही है। जवाब ले लेते हैं, जवाब लेंगे, जवाब लेंगे। विकास चौधरी जी इसका जवाब दीजिए, बाकी वो सही। दूसरी बात मैं आपको, सही पॉइंट, एक सेकंड संजय जी लौटेंगे आपका, थोड़ा सा आप काउंटर करते हैं। मैं ये तो मानता हूँ संजय जी की बात को कि खारा पानी भारतीय जनता पार्टी नहीं लाई,
लेकिन फरदाबाद, गुड़गावा, पलवल और हरियाणा के जो हिस्से, वहां पर जो ट्यूबवेल कनेक्शन पेंडिंग थे उनको एकदम निरस्त करने का और ये कहने का कि अब आपको कहीं कोई ट्यूबवेल कनेक्शन नया मिलने लाएगा, ये तुगलकी फरमान तो भाजपा के साथ ही लाए। मान लिया ये कहेंगे डार जोन है, अरे डार जोन तो पहले भी थी जनाब, आपको उसका अल्टरनेटिव ढूंढते, आप एसवाईएल लाते, तीन महीने से जो मुद्दा पांच महीने से पेंडिंग चल रहा। और मैं एक बात और बताना चाहूंगा, इनकी बहुत बड़ी पोल खोलना चाहूंगा भाजपा की, ये बात करते हैं गरीब किसान की, पूरे एग्रो समिट में अगर कहीं भी कोई शब्दावली प्रयोग हुई तो सिर्फ इंग्लिश की। मुझे पूरा समय नहीं दे रहे आप, मैं एक मिनट बोलूं फिर बोलिए आप। वहां कहीं भी शब्दावली में हिंदी का प्रयोग नहीं हुआ, सारी समिट में इंग्लिश के स्लोगन, इंग्लिश की बात। आप बताइए गरीब किसान की बात थोड़ी है। मैंने पहले भी कहा ये भाजपा का इवेंट मैनेजमेंट है, बड़े बड़े लोगों का ट्रेड फेयर था और वही है, वरना हिंदी तो हमारी मातृभाषा है, हर किसान हिंदी जानता है, उसके लिए हिंदी पढ़ते। जवाब जवाब ले लेते जरा, संजय शर्मा जी जवाब। आप कौन से युग में रह रहे हो चौधरी साहब? देखिए आप देखिए, कृषि यंत्रों के नाम क्या है? ट्रैक्टर हिंदी का शब्द है क्या? रोटावेटर हिंदी का शब्द है क्या? जितने भी यूरिया हिंदी का शब्द है क्या? डीएपी हिंदी का शब्द है क्या? अरे सुनिए मेरी बात, सुनिए, आप किसानों को अनपढ़ रखना चाहते हो क्या? अरे सुन तो लो भैया, अरे सुन तो लो यार, बोलो बोलो, सुन तो लो, आप बड़े 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 ज्ञानवान आदमी हो, मेरी बात तो सुन दीजिए आप। हाँ बोलिए बोलिए। देखिए जो वहां पर किसान बुलाए गए थे, वहां कोई भाषण अंग्रेजी में थोड़ी किया गया, वहां पर जो सेमिनार हुए, 18 सेमिनार वहां पर हुए हैं अलग अलग विषयों को लेकर के, एग्री लीडर्स आए, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, अलग अलग जो कॉन्फ्रेंस हॉल बने हुए थे उनके अंदर पूरे देश, पूरे हरियाणा, पूरे क्या कहें देश से जो एग्री लीडर्स है, चाहे वो फलों में हो, चाहे वो फूलों में हो, चाहे वो जैविक खाद में हो, चाहे वो सब्जियों में हो, ऐसे सब लोगों के एक्सपीरियंसेस, उनके जो अनुभव थे उनको वहां पर शेयर किया गया। मैं विकास, वहां पर भाषण अंग्रेजी में नहीं दिए गए। आप क्या कहते हैं संजय शर्मा जी? आज किसान भी पढ़ा लिखा है, सारे दवाइयों के नाम अंग्रेजी में है। संजय शर्मा जी एक छोटा सा सवाल है, दुनिया के लोग इस सेमिनार को देख रहे थे, सम्मेलन कर रहे हैं, लीडरशिप को देख रहे थे, जिस मेले का आयोजन कर रहे हैं, क्या उसका आकलन आप कर रहे हैं कि आखिर इस मेले के बाद किसानों को कितना फायदा मिला है? क्या आकलन कर रहे हैं? और यदि आकलन कर रहे हैं तो कितना फायदा किसानों को हुआ है? देखिए मैं यही बताना चाहता हूं कि ये मेला नहीं था, मेले शब्द को एग्री लीडर समिट के साथ मत जोड़िए। देखिए दोनों दोनों तरह से काम करना पड़ेगा। जो किसान अपनी उन्नत तकनीक का उपयोग करके अपनी मेहनत को, चाहे उनके पास कम जमीन है तो उस जमीन को वो ठीक टेक्निक से उपयोग कर करके और अपनी आमदन को बढ़ा रहे हैं, उन किसानों को प्रोत्साहन देना पड़ेगा। और बाकी प्रदेश के जो किसान है, देखिए हरियाणा के अंदर 90 लाख एकड़ जमीन है, से अनंत राम जी को चाहते हैं कि 22.5 लाख एकड़ किसान अनंत राम जी एक सवाल का जवाब दीजिए, काम पे आए। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट 2007 में सरकार के पास आ जाती है, अब 2016 है, इसमें कांग्रेस भी थी, बीजेपी भी है। एसवाईएल का मसला, जिस जो पानी की भरपाई का मसला है, ये पिछले कई दशकों से चला आ रहा है, कांग्रेस भी रही, बीजेपी भी है, इंडियन नेशनल लोकदल भी उसके दौरान, उस हालांकि 2004 में ये मसला पूरी तरह से गड़बड़ाया था, लेकिन फिर भी क्या इस पूरे मसले पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति होती है? किसानों को भी सिर्फ और सिर्फ एक वोट बैंक बनाकर रख दिया है राजनीतिक दलों ने? देखो ये आपने बड़ा ही एक रिलेटिव, बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन उठाया, और रेलेवेंट क्वेश्चन इसलिए कहता हूँ कि जब कभी चुनाव हो, पंजाब में हो, हरियाणा में हो, और किसी पार्टी की सरकार हो, एसवाईएल के मुद्दे को, पानी लाने के मुद्दे को सबसे प्रमुखता से उठाया जाता है। आप सबके घोषणा पत्र उठा के देख लो। दूसरी बात, आपने स्वामीनाथन रिपोर्ट की, सरकार ने एफिडेविट दे दिया है सुप्रीम कोर्ट में कि हम इसको लागू नहीं कर सकते। ये दोनों शब्दों के मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। रही बात ये कि लाभकारी मूल्य, ठीक है लाभकारी मूल्य की प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अस मैंने जो मुद्दा उठा था कि आप अनंत राम जी आप गलत बयानी कर रहे हैं। हाँ बोलिए बोलिए, बोलो आप करेक्ट कर आप दो, सही कर दीजिए, आप संजय शर्मा जी कर दो। देखिए सरकार ने ये कहा है, एफिडेविट ये नहीं दिया कि हम स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू नहीं करेंगे। सरकार ने कहा है कि एज इट इज आज की डेट में तुरंत स्वामीनाथन की रिपोर्ट पूरी लागू करना एकदम संभव नहीं है। उसमें हम 2022 तक हमने कहा है, हमारी सरकार ने कहा, अनंतराम जी सुनिए, हमारी सरकार ने कहा है कि 2022 तक हम स्वामीनाथन ने जो सिफारिशें की है, चाहे वो जोखिम प्रबंधन की हो, चाहे वो किसानों को मुआवजा देने की बात हो, चाहे किसानों को इनपुट सस्ता करने की बात हो, चाहे उनके फसल का लाभकारी मूल्य देने की बात हो, 2022 तक हम किसानों के लिए करेंगे, ये सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर कहा है। नहीं कहा स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू, मेरी भी तो सुन लो फिर शर्मा जी। हाँ ठीक है अनंत राम जी, मैं भी आपको करेक्ट कर देता हूँ।
उसमें कहा, संभव शब्द कहा है, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, उठ एफिडेविट निकाल के देख लो। हाँ, मैंने यही कहा, एट दिस टाइम अगर आप एफिडेविट के आपके गूगल से निकाल के देख लो, अगर मैं अपने आप को क्रेडिट कर लूंगा, अगर उसने सरकार ने ये ना कहा हो कि ये हमारे लिए अब ही संभव नहीं है। एक बात, दूसरी बात मैंने उठाई थी कि अगर आप उनको संसाधन ही नहीं जुटाएंगे, खासतौर पर वित्तीय संसाधन की मैं बात कर रहा हूँ बैंक से, कि अगर आपको कम कीमत पर ना कम उस पे ब्याज दर पे और उनको समय रहते ब्याज ना पैसा नहीं जुटाएंगे, वो कैसे इसमें इन्वेस्ट कर पाएगा? फसलों की जहां तक बात है उसमें नेचुरल कैलेमिटी पे डिपेंड, किसान की ज्यादा फसलें आमतौर पर मतलब इसको विपदाओं पर निर्भर करती हैं। अब मैंने शुरू में भी अपनी टिप्पणी में कहा, मतलब आज ओलावृष्टि हो जाए, आज बरसात हो जाए, तो इट इज सब्जेक्ट टू नेचुरल कैलेमिटीज। अब उसके पास तो चारा है ही नहीं इस बात के लिए, खासतौर पर छोटी जोत हो गई, ये भी मैं आपको बता दूं, आप मैं से ज्यादा जानते हैं, आज इतनी बड़ी जोत हो रही है, आपको मशीनरी से उठा के वो कर लेगा, आज एक एकड़ का किसान रह गया, डेढ़ एकड़ का किसान रह गया। बिल्कुल, ये किसानों के हक की ही बात है, और कैसे वो अब ओवरकम कर पाएंगे क्योंकि कर्ज के तले वो दबते जा रहे हैं। लेकिन बात यहाँ पर सरकार की पॉलिसीज़ को लेकर भी है, क्योंकि यहाँ जैसा कि कहा जा रहा है कि यदि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करना संभव नहीं है, यदि सरकार कोशिश करे तो क्या उस चीज़ को संभव तक पहुँचाया जा सकता है? सर, मेरा तो एक ही इस सरकार से है कि इन्होंने माहौल बनाया था किसानों के लिए, कपड़े निकाले कि इनके जो आज कृषि मंत्री हरियाणा में है और प्रदेश अध्यक्ष रोड पर घूमे थे, स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट, उसमें क्या था, किसानों को ज्यादा समझ में नहीं आती स्वामीनाथन आयोग। मैं फिर कहता हूं, इन्होंने कितनी लागू कर दी, कितनी कर लियो, एंड प्रोडक्ट जो चीज तैयार है उसका रेट एक रुपया लगाओगे डेढ़ पाओगे, ये किसानों ने समझा था और कोई बात नहीं समझी थी। सबसे पहले कोई ही मुद्दे को लागू नहीं करते, ये बाद में कर लेते, सबसे पहले रेट का लागू कर लेते, किसी को दिक्कत ही नहीं आती। क्यों ये ऐसा कर रहे हैं, हमारी समझ से बहुत परे है। हम तो भारतीय जनता पार्टी से एक बात कहते हैं, आपने वायदा किया था, आपको लोगों ने पूर्ण बहुमत दिया, सेंटर में हो चाहे स्टेट में हो, आपने एक ही काम करना था, एक रुपया लगाओगे डेढ़ पाओगे, ये किसान ने समझा था, सबसे बड़ी बात ये समझी थी, यही आप मान नहीं रहे। ये मेरे पास आज पेपर है, मैं आज लेके आऊं स्पेशल, तुरंत खरीद लागू हो नहीं तो 23 से धरने देंगे किसान, ये मेरे पास रखा है दैनिक जागरण आज का। आपने अभी तक शिखर सम्मेलन कहूंगा मैं उसको कृषि मेला मैं नहीं कहूंगा, आपने शिखर सम्मेलन किया है उसमें किया ध्यान ये देना चाहिए था, फसल किसान की सरसों की निकल चुकी है, उसकी खरीदारी क्यों नहीं कर रहे आप, क्या वजह है? ठीक, और आप एक काम कर लीजिए, स्वामीनाथन आयोग आप एफिडेविट दीजिए, आपने हरियाणा का घोषणा पत्र, फिर मैं याद दिला रहा हूँ, स्वामीनाथन आयोग की बात नहीं कर रहा मैं, आपके हरियाणा के घोषणा पत्र की बात कर रहा हूँ, उसमें साफ शब्दों में लिखा है एक रुपया लगाओगे डेढ़ पाओगे, किसान ने यही जान के आपको वोट दिया। कहना चाह रहे मैं शर्मा जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, आपने कहा कि स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट के अंदर किसानों को उन्नत तकनीक से विकसित करने का भी प्रावधान है, ये भी उसके अंदर है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शर्मा जी, और ये भी है स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट के अंदर के लाभकारी मूल्य जो है ना वो किसानों को मिले, दोनों बातें ठीक है ना शर्मा जी। अब सवाल यह है कि लाभकारी मूल्य के ऊपर तो कोई बात चर्चा है नहीं, उन्नत तकनीक जो है ना वो उनके सामने आप रख रहे हो, मेरे को पूरा कर लेने दो शर्मा जी, ये तो बिल्कुल वैसे ही हो गया, एक दुकान के अंदर जो है ना लड्डुआ का थाल भरकर रख दिया, अब 500 रुपये के लो, देखा कस्टमर ने किसान ने अक्तरी गोज में था 5 रुपये को ने, अब 500 रुपये की चीज़ तू कैसे ले लेगा, उसको दिखा के उसका मजाक उड़ा रहे हो आप लोग किसान को, कि भाई तू जो है ना खरीदता नहीं सकता, तू एक ऐणी भी, और दिखा रहे हो तुमने ऐसी ऐसी चीजें, भाई लाभकारी मूल्य लागू कर दो, उसकी जेब में पैसा आ जाएगा, वो ये उन्नत तकनीक तुम्हारी अपने आप ले लेगा, मेले की जरूरत नहीं, अपने आप दुकान पर जागा ले दे भाई, पैसा दो ना पहले उसने, उसको तो घाटे का सौदा बना दिया, इनके इनका व्यापार करवा दिया। जवाब जवाब, लेकिन एक और भी सवाल ले लेते हैं, विकास जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सवाल आप जोड़। हमारे संजय जी अपने मेरे बड़े भाई हैं, इनके ज्ञान पे मैं कभी सवाल नहीं उठाऊंगा, ज्ञानी बहुत है ये, लेकिन पता नहीं क्यों ये, देखो इनकी मजबूरी है भाजपा का प्रचार करना, भाजपा की तरफ से आए, देखिए आप समझिए एक बात को, ये अभी भी कह रहे हैं बैठ के, हम 2022 की बात करते हैं, अरे जनाब आपकी सरकार 2019 तक की है, 2022 में तो पता नहीं भविष्य की बात क्यों करती है भाजपा, प्रेजेंट में आपने क्या करा वो बताइए आप,
मैंने पहले भी कहा था ये ट्रेड फेयर था, पूंजीपतियों की सरकार है, खाली और खाली पूंजीपतियों के फायदे ठीक है। रिएक्शन लेते अगर ये अपनी संजय शर्मा जी ये कोई अपनी बात करते ठीक है, इन्होंने वीरेंद्र सिंह जी भी आरोप लगा दिए संजय शर्मा जी पूरा ज्ञान नहीं है ठीक है, हमें ज्ञान नहीं है, मान लिया सर आपको ज्ञान है, लेकिन किसान के बारे में बताइए किसान का क्या बताओ, आम किसान गरीब किसान का कोई भला नहीं। रिस्पॉन्स लेते ना जरा संजय जी। पहले मैं अपने छोटे भाई विकास जी की बात से ही अपनी बात शुरू करता हूं। देखिए कांग्रेस नेगेटिव सोचती है, हम पॉजिटिव सोचते हैं, हम सोचते हैं कि आधा ग्लास भरा हुआ है, ये देखते हैं आधा ग्लास खाली है। हमें पता है कि हम काम इतने कर रहे हैं कि हम 2022 नहीं हमारी मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में दूसरी बात करता हूँ। अगली शर्मा जी, अगले शर्मा जी ये बता दी 2019 तक स्वामीनाथन रिपोर्ट का अगली बात जवाब है। एक सेकंड मैं बता रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ 2019 तक स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में क्या क्या पूरा करते हैं ये बता दीजिए, 22 का इंतजार बाद में करेंगे हम। सही सवाल है इसका जवाब, हमने पूरा कर दिया है। देखिए हमने किसानों का जोखिम प्रबंधन किया, स्वामीनाथन ने कहा था 10,000 पर एकड़ के हिसाब से देना है, हमने 12,000 पर एकड़ के हिसाब से दिया। स्वामीनाथन ने कहा था इनपुट सस्ते हों, ताकि इनपुट सस्ते होंगे तो किसान की लागत कम होगी, इसलिए इनपुट सस्ते करने की दिशा में हम आगे बढ़े हैं। हमने यूरिया का रेट पहली बार कम किया है, डीएपी का रेट घटा है, देखिए एनपीके का रेट घटा है, हमने किसानों को पानी सस्ता उपलब्ध हो, संजय शर्मा जी बीज सस्ते उपलब्ध हो, संजय शर्मा जी बैंक से लोन सस्ता मिले, क्या नहीं किया ये बता दीजिए, लागत कम हो, थोड़ी सी डिबेट और अच्छी हो जाएगी, क्या नहीं किया है अभी तक वो बता दीजिए सर। मैं आज हम अगर 1500 रुपए कनक का रेट है उसको हम आज 2200 रुपए इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जो गरीब आदमी है वो गरीब आदमी 2200 रुपए किसान से ज्यादा गरीब कौन है, उसका नाम तो बताओ। लेकिन हम सुनिए तो सही, लेकिन किसान का जो 1500 रुपए लागत है उस 1500 की लागत को हम 1000 रुपए तक ला सकते हैं, ताकि 1000 की लागत पे उसको 500 रुपए रोड जुड़ करके उसका 1500 रुपए उसको रेट मिल जाए, इसलिए हम उसको लागत को कम कर रहे हैं, ताकि लागत कम होगी तो किसान को अपना भाव बढ़ाना नहीं पड़ेगा, भाव वही रहेगा लेकिन उसकी अपनी मेहनत का फल उसको मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस दिशा में आगे बढ़ रही है ताकि गरीब को भी अनाज सस्ता मिले और किसान को भी उसकी फसल का उचित मूल्य मिले। ठीक है जरा जरा ये सरकार आपकी इस बात का एक रिएक्शन राज्यश्री ना चाहूंगा क्योंकि वो राष्ट्रीय सचिव है भारतीय किसान यूनियन के। मैं एक चीज क्या ये जो कह रहे हैं कि लागत कम करने की ओर सरकार काम कर रही है बिल्कुल गलत बात है, ये शब्दों का जाल रचा जा रहा है और इस तरीके की बातों का जो है ना ग्राउंड लेवल पे ऊपर जाके देखिए यूरिया सस्ता हुआ है कि नहीं हुआ बताइए, कितना यूरिया का फर्क पड़ता है, राज सिंह जी टोटल आप बताइए यूरिया सस्ता हुआ कि नहीं, असर आएगा अरे फर्क पड़ता है बता रहा हूं उसका, अरे बता रहा हूं इस बात से ले रही है किसान की और भी बहुत रिक्वायरमेंट है, एक आदमी उसके परिवार का कितना उसके लेबर को काउंट करो, मैं बता रहा हूं उसकी और लागत की जो आप देखोगे ट्रांसपोर्टेशन देखो उसका मंडियों में कितना शोषण होता है वो देखो, आप सारी बातों को अगर इनपुट पे आप किसानों को उपयोग होने वाले संसाधन है उनको हमने सस्ता किया उसके ऊपर सब्सिडी देने शुरू किया, सस्ता कर दिया बीज के साथ सस्ता कर दिया आपने है वो हमने उपलब्ध कर दिया, कोई सस्ता उस्ता कुछ नहीं हुआ है, अगर ये सस्ता हुआ होता ना तो ये आधा ग्लास भरा हुआ है, ये देश के अंदर 5000 जो आत्महत्याएं हो रही है ये ना 2 साल में देखिए आप आत्महत्या आंकड़ा निकाल लीजिए, आप कांग्रेस की सरकार का 10 साल का आत्महत्या आंकड़ा कांग्रेस की सरकार का 1 साल का उन्होंने बहुत अच्छा कर दिया, हम कहां कांग्रेस का फेवर कर रहे हैं, पता लग जाएगा हम तो कांग्रेस का फेवर भी नहीं कर रहे, अगर कांग्रेस ने अच्छा किया होता तो वही सरकार नहीं होती, दलवीर धनखड़ जी आइए, इसलिए हमने कम किया ठीक है धनखड़ जी, सरकार के संजय जी लौटेंगे आपके पास, दलवीर धनखड़ जी हमारे सवाल बड़े सीधे सीधे हैं, घोषणा पत्र में कहे थे 1 रुपया लगा के डेढ़ पाओगे, दूसरा आज फसल आई हुई सरसों की क्यों नहीं खरीद रहे, किसानों की क्या ऐसी 1 रुपया सस्ता कर रहे हैं ना आप, अगर 80 पैसे हो जाएगा तो 1 रुपया 20 पैसे कब करोगे यार, आप सुनो तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तो आप लिया जबरदस्ती पैसे काट के लोगों को, आप 1 रुपया लगा के क्यों नहीं करते। दूसरा मेरा ये है मेरा साकेत भाई मेरा एक सवाल और था, गेहूं में इंपोर्ट ड्यूटी क्यों घटाई, ये कोई सरकार कोई जवाब दे सकती क्या सेंटर की सरकार, गेहूं में इंपोर्ट ड्यूटी घटाने का मतलब ये है बाहर से गेहूं मंगाना यहां का गेहूं पीट देना, क्योंकि आज बड़ी बड़ी फैक्ट्री हमारी गेहूं यूज करती है जिसमें बहुत सारी चीजें प्रोडक्ट बनते हैं जो पूरे देश में चलती है, उसमें क्या है सारा गेहूं बाहर का ही मंगा रहे, यहाँ की पैदावार ज्यादा हो जाएगी खपत कम हो जाएगी और भाव गिरेगा, ये गरीब अमीर की कोई बात ही नहीं हो रही, क्या जब आपने गरीब अमीर नहीं देखे थे जब घोषणा पत्र बनाया गरीब के गेहूं कितने भाव में मिलेगा, किसान को आप सब्सिडी दे दीजिए, आप सब्सिडी दीजिए,
आपने 1500 लागत बता दी, 2200-700 रुपए सब्सिडी दे दीजिए, गरीब का भला हो जाएगा, किसान का भला हो जाएगा। यूपी में जब आप किसानों के कर्ज माफ कर सकते हो, क्या हरियाणा माफ की सरकार नहीं है? ये देश माफ की सरकार नहीं है क्या? बेकार की बातें करनी और कोई काम करना नहीं है। रेट घटा दिया वो बढ़ा दिया, नहीं, बिल्कुल किसान को वो चाहिए, उनकी लागत का 1.5 गुना चाहिए। जो आपने वायदा कर रखा है सब लोगों को पता है, इसलिए वायदा कर रखा है। संजय शर्मा जी, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। प्रधानमंत्री कहते हैं कि आने वाले समय में किसानों की आय को दुगना किया जाएगा, क्या वो नीति है, क्या वो रोडमैप है? और कर्ज माफी को लेकर ये बार बार आपकी तरफ से भी कहा गया कि हम कर्ज माफी के लिए कदम उठाएंगे और किसानों का जितना भी कर्ज है वो माफ करेंगे, उसके लिए कितना आप कदम बढ़े आगे और क्या आपकी नीति है? सुमेंदु जी, अभी आपने देखा होगा कि जब बेमौसमी फसल का नुकसान हुआ या नोटबंदी के कारण से किसान जो अपना ब्याज नहीं दे पाए बैंक के अंदर, सरकार ने वो 60 दिन का ब्याज पूरा का पूरा माफ कर दिया। दूसरी बात, कांग्रेस के समय में 18-18, 20-20% ब्याज होता था बैंक का, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको 18% से करके 6% तक तय करके आई है और उसको 4% की ओर लेकर के हमारे हैं। कांग्रेस के राज के समय एक ट्रैक्टर लेना होता था तो किसान के अगर 10 एकड़ है तो 10 के 10 एकड़ को बैंक के पास गिरवी रखा जाता था, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो ट्रैक्टर की कीमत है केवल उतनी जमीन को ही, हम काफी फायदा किसानों को होना चाहिए लेकिन उसके बावजूद भी किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं, सीधा सा सवाल है। हो रहा है ना, मैं बता रहा हूं कि आप आंकड़ा निकाल लीजिए कि किसानों ने पिछले 2.5 साल कितने किसानों ने आत्महत्या की है। या किन कारणों से किसान ने आत्महत्या की है? आप कांग्रेस के 10 साल का पर महीने के हिसाब से आत्महत्याओं का आंकड़ा निकाल लीजिए और भारतीय जनता पार्टी के 2.5 साल का पर महीने के हिसाब से आत्महत्या का आंकड़ा लगा दिए। आज किसान के घर में खुशहाली आनी शुरू हुई है, किसान आज सक्षम होना शुरू हुआ है। संजय शर्मा जी, हमारी ये योजना है अनंत राम जी, एक सवाल आपसे। आसपास का जो क्षेत्र है, अगर वो मौजूदा दौर में हम किसानों की स्थिति का आकलन करते हैं और ये जो 2019 और 2024 की बातें हो रही हैं, जिस स्थिति से तमाम चीजें चल रही है, अनंत राम जी, आपको लगता है कि कुछ बयार बदलाव की ऐसे आएगी कि वाकई स्थिति बदल जाएगी? नहीं, ऐसा देखिए, लॉन्ग टर्म पॉलिसी होती है, एक शॉर्ट टर्म पॉलिसी होती है, छोटी अवधि की एक लंबी टर्म की। लंबी अवधि की जो योजना केंद्र सरकार ने दी है, चाहे वो किसान के लिए है, चाहे छोटे खेतीहार मजदूर के लिए है, चाहे सेवाधारी लोगों के लिए है, वो अलग बात है। लेकिन बात लोग ये चाहते हैं कि जैसे अभी बात चल रही थी कि पिछले 2.5 सालों में केंद्र में सरकार है इनकी, यहाँ राज्य सरकार है, तो क्या इनकी आर्थिक अवस्था, खासतौर पर किसानों की आज की बात हो रही है, वो सुधार हुआ है या नहीं, एक ये विषय है। दूसरा ये है कि जैसे कि ये बता रहे थे शर्मा जी, मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था कि खाद है, सब्सिडी है, वो हमने सस्ते रेटों पे दी है, आजाद यूरिया सस्ते पे, मतलब कहने का भी पर बीज सस्ते रेटों पे दिया है, तो उससे कितने परसेंट तक वो ये एक प्रकार के जो प्रोत्साहन मैं कहूँगा उनको इनकर, तो कितने लोगों को वो मिला है और क्या उससे उनकी स्थिति में कोई सुधार आया है, ये एक प्रश्न। ठीक है, एक चीज मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ राज सिंह जी, इन 2.5 साल में जो बीजेपी का कार्यकाल रहा है, इसको अगर हम कंपेयर करें पिछले सरकारों से, 2.5 साल में स्थिति खराब हुई है या थोड़ी सी सुधरी है, कैसी रही है? ऐसा है साहब, ये शाइनिंग इंडिया वाले आदमी हैं जी, इनका जो प्रचार तंत्र है वो इतना जबरदस्त है कि ये तो जो है ना मरे हुए आदमी को भी खड़ा करके यूं कह देते हैं, देखो जी जिंदा है ये। हालत बद से बदतर होती जा रही है, सरकारें कोई भी आए, अब एक विशेष सरकार को उंगली उठाना भी गलत है, कोई भी सरकार आए और इनकी सरकार के सामने जो है ना आज जो हालत है वो बिल्कुल ऐसी स्थिति पे पहुंच चुके हैं कि ये कभी भी जो है ना विस्फोट हो सकता है। कोई सरकार इसको गंभीरता से नहीं ले रही, लोग जो है ना खेती से इतने विमुख होते जा रहे हैं कि मजबूरी का सौदा रह गया, भूखे मरते ये काम। अच्छा, राज सिंह जी, ये अब हम लगातार ये बात कर रहे हैं कि आखिर घाटे का सौदा खेती क्यों होती जा रही है और इसमें क्योंकि सरकार की तरफ से जो हाँ मैं समझ गया आपका प्रश्न, आपका प्रश्न मैं समझ गया, यूरिया हम सस्ता कर रहे हैं, ये कुछ नहीं, ये नहीं है कारण। कारण ये है कि जब भी फसल आती है किसान तो को कुछ मिलता नहीं, जो बिचौलिए जो बीच के आदमी है वो जो ना एक ही टाइम पे जो है ना उनका लगभग जो है जितना बेनिफिट होना है वो सारा का सारा उन्हीं को होता है। अभी धान के टाइम पे डॉक्टर साहब और हम एक आप ही के चैनल पे थे, वो उस समय पे
धान सरकार ने खरीदी नहीं, बिचौलियों ने खरीदी और अगले ही दिन जो है उन्होंने 3 रुपए किलो के बेनिफिट से जो है बेच दी। इसमें बैठे बिठाए वहीं के वहीं बिचौलिए बहुत बहुत बड़ा रोल अदा कर रहे हैं, इसका मतलब जो है बिचौलिए भी और ये सब सरकार के उसके तले पल रहे हैं, ये सरकार पाल रही है नहीं, ठीक है, चाहे कोई भी सरकार हो। ऑनलाइन मार्केटिंग शुरू की है। विकास जी सवाल आपसे, देखिए ऐसा है साकेत जी, हमारे बीजेपी के साथी प्रवक्ता बार बार ये कह रहे हैं कि हमने किसानों के लिए इतना भला किया, ये जो बात बार बार इस डिबेट में उठ के आ रही है सुना किसानों की आत्महत्या की, इसके आंकड़े जो है वो पहली बार हरियाणा के क्या पूरे देश में है, भाजपा पूरे देश में शासन कर रही है तो पूरे देश का बुरा हाल है, आत्महत्या के आंकड़े इसलिए बढ़ गया, आत्महत्या आदमी तब करता है किसान जब उसकी उसको हर तरह से। विकास जी एक बात अभी आई कि बिचौलिए का एक राज रहा है, उनका एक तंत्र रहा है आपकी सरकार में, आपकी सरकार में भी आपने क्या किया था मेरी बात, बिचौलिए से निपटने के लिए आपने क्या योजना बनाई? हमारी सरकार में मैं मान सकता हूँ कि कहीं थोड़ी बहुत तो कमी रही होगी, तभी हमारे शासन में नहीं है, लेकिन आत्महत्या की दर बता रही है कि उन्होंने तो बस से बदतर कर दी, हमारे से तो बद से बदतर उन्होंने हाल कर दिया, तभी हरियाणा में कभी किसानों ने आत्महत्या नहीं करी थी, ये पहली मर्तबा ऐसी सरकार आई है कि किसानों ने आत्महत्या करी। अगर ऑनलाइन हो जाएंगी चीजें तो क्या बिचौलिए खत्म हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं, ये सब अभी कहने की बात है, हमारे वालों को अभी मोबाइल चलाना आता नहीं, ये ऑनलाइन करवाने जा रही है बात। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी एक ताजा उदाहरण था तमिलनाडु के अंदर, जब एक आदमी ने ट्रैक्टर का लोन लिया 4 लाख रुपए, 3 लाख रुपए वो पे भी कर चुका था, 1 लाख रुपए बाकी थे, वो 2-3 किस्तें नहीं दे पाया, किस तरीके से जो ना पुलिस को ले जाके उसको पिटवाया और उसने अपने स्वाभिमान की जब उसको ठेस लगी अगले दिन उसने आत्महत्या करी। ये हुआ कि नहीं हुआ इस देश के अंदर? इससे ज्यादा शर्मनाक इस देश में क्या होगा? वो जो 4 लाख रुपए लोन लिया था ना उस किसान ने, वो कोई विजय माल्या की तरह अय्याशी के लिए नहीं लिया था, वो उसने सिर्फ लिया था कि भाई मैं इससे जो ना अनाज उत्पादन करूंगा और इस देश के वासियों का मैं पेट भरूंगा। ठीक है, एक रिएक्शन आनंद राम जी आपसे भी लेना चाहता हूं कि जो फायदे का सौदा खेती कैसे बने, क्योंकि जैसे कि राज सिंह जी कह रहे हैं कि इसमें कहीं ना कहीं मुनाफे को जोड़ना भी बेहद जरूरी है, घाटे का सौदा कम करना है मुनाफा बढ़ाना है, कैसे होगा? देखिए ये भी इंडस्ट्री के एक बेसिक बात बताता हूँ, सभी जानते हैं चैनल पे बैठे, इनपुट और आउटपुट होता है, भाई हम क्या कितने का डाल रहे हैं और इससे हमें क्या मिलने वाला, सीधी सी बात है, और उसमें कितना मार्जिन है उसी को आप मुनाफे की संज्ञा देते हैं। यदि आपको उसका ज़्यादा मूल्य मिलता है और जो इनपुट किया है उससे, तो उसको मुनाफा कहते हैं। अब बात आपने पर्सन मूल्य किया, ये कैसे संभव? उसमें तो वही 4-5 बातें आती हैं कि जो उनको यूज होता है, चाहे वो यूरिया है, चाहे बीज है, चाहे बिजली है, चाहे पानी है, एक तो समय पर मिले और कम रेट पर मिले, एक बात, ताकि उसकी उत्पादन की कीमत कम हो। रही बात ये कि उसको फिर उचित मूल्य मिले तो वो लाभकारी हो जाएगा। और आज हर आदमी मानता है, इवन सरकार मानती है कि किसान की जो खेती है वो लाभकारी व्यवसाय नहीं रहा है। ये समय की बेहद कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े सभी खास मेहमानों का। लेकिन यहाँ पर बात एक सीधी सी है कि यदि किसानों के हालात बदलने हैं तो चीज़ों को भी बदलना होगा, और वीरेंद्र सिंह ने कहा भी कि नई सोच लानी होगी। बिल्कुल, जब तक नई सोच नहीं आएगी तब तक स्थिति इसी तरीके की रहेंगे। पेशकश में बस इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।